नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसका नाम है नेट टेस्ट, NAT, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट इसको बोलते हैं। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको समझना क्यों ज़रूरी है, ये आपको पूरे वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस टेस्ट को हमारा परफॉर्म करने का उद्देश्य क्या है और क्या बेनिफिट्स इस टेस्ट के माध्यम से हमें मिलने वाला है, ये बात आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं, जैसे हमारा ब्लड बैंक का जो है सीरीज चल रहा है, वीडियो अभी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो ब्लड बैंक में काम करते समय एक ब्लड बैंक में काम करने वाला जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, तो उसका जो मेन उद्देश्य होता है कि सेफ तरीके से डोनर से ब्लड कलेक्ट करना और सेफली उस ब्लड को पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करना या चढ़ाना उस तक, ठीक है। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। उसके लिए हमें मेनली कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसमें हम बात करने वाले हैं मुख्यतः जो आप स्क्रीनिंग करते हैं ना, जिन बीमारियों का यहाँ पर लिखा हुआ है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट जब आप परफॉर्म करते हैं, पाँच मुख्यतः हैं इसमें, HBsEg, HIV, VDRL, HCV, मलेरिया, ठीक है। HBsEg आप हेपेटाइटिस बी के लिए करते हैं, HIV तो एड्स के लिए है, और VDRL आपके सिफिलिस के लिए, HCV हेपेटाइटिस सी, और मलेरिया पैरासाइट। कहीं ना कहीं ये डेडली डिसीज हैं, ठीक है, और कुछ साइलेंट किलर होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया। तो इन सारे चीज़ों से प्रिवेंट करना है या बचाना है पेशेंट को हमें, जिससे हमने ब्लड लिया है हमें नहीं मालूम उसमें कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, तो ये हमें मालूम चलेगा जब हम स्क्रीनिंग करेंगे। लेकिन पंगा क्या है, ये जब हम स्क्रीनिंग करते हैं, कुछ टेस्ट में हम एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, कुछ टेस्ट में हम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं। अब उस डिटेक्ट करने के टाइम पर उसका एक किसी भी एक पर्टिकुलर वायरस का जो है एक विंडो पीरियड होता है, मतलब उसमें आपको पता लगने में कितना समय लग रहा है, ठीक है। हो सकता है बहुत ज़्यादा समय लगे, तो विंडो पीरियड को सबसे पहले समझ लेते हैं हम, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो विंडो पीरियड एक्चुअली होता क्या है, ये मान लो कि बात कोई पर्सन है, इसको HIV है, ठीक है, और ये एक हेल्दी पर्सन है, ये इसके कांटेक्ट में आया, ठीक है। तो ये इसके कांटेक्ट में आया तो हो सकता है मान लो कि बात कैसे भी इसको इन्फेक्शन हो गया, मान लो कि बात निडल के थ्रू इसको इन्फेक्शन इस हेल्दी पर्सन को पहुंच गया। डेट है जैसे कि मान लो कि बात आज 5 तारीख है, ठीक है, तो ये 5 तारीख को जो है इसको HIV इसके अंदर चला गया, ठीक है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को 5 तारीख को इसको जो है इन्फेक्शन पहुंच गया। अब जैसे कि आप 5 तारीख को ही टेस्ट लगाएंगे रैपिड कार्ड से या एलाइजा से या बाकी चीज़ों से, तो इस पेशेंट में आपको HIV डिटेक्ट नहीं होगा, ठीक है, उसी तारीख को। लेकिन इस HIV अगर इसके अंदर गया है तो HIV को इसके अंदर ब्लड स्ट्रीम में ग्रोथ करने के लिए और एंटीबॉडीज इसके अंदर बनाने में इसको समय लगेगा, ठीक है। तो वो समय मान लो कि बाद इसका जो विंडो पीरियड है HIV का हम 21 दिन मान लेते हैं, ठीक है, तो 21 दिन इसको लग रहा है, तो मान लो कि बाद ये 21 दिन जो है 5 तारीख से आगे आप गिनेंगे, तो ये 21 दिन अगर लग रहा है इसको डिटेक्ट होने में, ठीक है, ये समझना आपको बात। मान लो कि बाद हम HIV को पता लगा रहे हैं 21 दिन में, इस इंसान के अंदर 21 दिन बाद पता चल रहा है कि इसको HIV है, तो 5 तारीख से ये 21 दिन जो हो रहा है तो ये हमारा जो है विंडो पीरियड कहलाता है, जिस दिन इन्फेक्शन हुआ है इसको और जब इसका इन्फेक्शन हमें पता चल रहा है, तो ये समय अंतराल को जो है या दिन को जो है हम विंडो पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो अब ये 21 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, 21 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। हो सकता है जैसे कि ये इसके संपर्क में आया और मान लो कि बाद ये आपको ब्लड देने के लिए आ गया, कितनी तारीख को, 5 तारीख को दिया, और मान लो कि बाद आपके पास जो है ये 10 तारीख को ब्लड देने के लिए आ गया, आपने ब्लड ले लिया, आपने ये रैपिड टेस्ट भी लगा लिया और ये नेगेटिव आया, आपको लगा कि ये नेगेटिव है और आपने ब्लड जो है चढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपने जो है ये पेशेंट का जो है क्या कर दिया, इन्फेक्शन को जो है पहुंचा दिया। तो इसको जो है हम बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो मतलब जो ब्लड आप लिया है डोनर से और उस ब्लड को जब पेशेंट को चढ़ा रहे हैं तो कोई ना कोई ये डिसीज अगर पेशेंट तक पहुँच रहा है तो उसको हम ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसको रोकने के लिए जो है हम नेट टेस्ट जो है लगाते हैं, ठीक है, बहुत ही एडवांस टेस्ट है ये, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, ठीक है, जो आप एलाइजा लगाते हैं उससे भी मोर एडवांस है। तो ये इसका
मुख्य जो फायदा है वो क्या है। ये जो विंडो पीरियड हमने पढ़ा है अभी, तो इस विंडो पीरियड को जो है ये कम कर देता है। समझ में आ रहा है आपको? इस विंडो पीरियड को ये कम कर देगा। मान लो कि बाद 21 दिन में आपको डिटेक्ट हो रहा है, बाकी टेस्ट जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें, तो ये विंडो पीरियड को कम कर रहा है। जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पर HCV जो है, अगर आपको 60 दिन में वो पता लग रहा है, उसका विंडो पीरियड जो है 60 दिन है, 60 दिन में आप पता लगा पाएंगे, लेकिन जब आप नेट टेस्ट करेंगे तो उसको हो सकता है आपने 3 दिन में पता लगा लिया। उसके बाद HIV है, मैंने 21 दिन माना इसको, ठीक है, और आप जो है इसको 3 दिन में पता लगा लिए। उसके बाद HBsAg है, मान लो कि बाद उसको 40 दिन लग रहा है आपको डिटेक्ट करने में, और आपने 10 दिन में ही पता लगा लिया नेट टेस्ट के द्वारा। तो इससे बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है कि इतने कम समय में इन्फेक्शन हुआ और इतने कम समय में आपने डिटेक्ट कर लिया, तो आपके जो है चांसेस बढ़ गए अब किस बात का, कि ये ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन पेशेंट को नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको इस टेस्ट के माध्यम से मिल रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है कि ये जो नेट टेस्ट हम न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हम क्यों परफॉर्म करते हैं, तो ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को रोकने के लिए करते हैं। दूसरा ऑप्शन भी आपका हो सकता है कि विंडो पीरियड को रिड्यूस करता है ये, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, तो मैं कंप्लीट जो है इसमें आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ अलग अलग चीज़ों को, ताकि आपको समझ में आ जाए, और जब समझ में आ जाएगा तो आप जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनेंगे तो वो भी आप कंप्लीट कवर कर पाएंगे। तो हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, ताकि आप उनको जो है समझ करके आप आंसर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो कहीं ना कहीं जब हम ब्लड बैंक में काम करते हैं तो ये बहुत बड़ी एक मशीन होती है, जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है कोबास S201, महंगी मशीन आती है, और अभी इंडिया में भी जगह जगह पर ये लग रहा है और टेस्ट जो है लगना चालू हो रहे हैं। तो इससे जो है बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा, और इससे ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन है कहीं ना कहीं डायरेक्टली अगर पेशेंट तक पहुँच रहा है तो उसको जो है रोकने में काफ़ी ज़्यादा मदद जो है इससे मिलने वाला है। तो कई जगह पर लग भी चुका है, काम स्टार्ट हो चुका है, और धीरे धीरे ये सभी जगह पर स्टार्ट भी हो जाएगा। तो इससे जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और हम जो काम कर रहे हैं तो हमें भी कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, हमने जो है सेफली एक ब्लड डोनर से लिया और सेफली एक पेशेंट को जो है हमने जिसको ज़रूरत था उसको ब्लड चढ़ा दिया। तो ब्लड बैंक में काम करना बहुत ही सावधानीपूर्वक, हर एक तरीके से सोच करके समझ करके हमें काम करना होता है सावधानीपूर्वक, ताकि कहीं भी कोई भी मिस्टेक हमसे ना हो, और जो भी पेशेंट हमारे पास आता है वो सेफली अच्छे से स्वस्थ होकर के अपने घर जाए, यही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। और जब हम इस सेवा के फील्ड में हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ये सारी चीज़ें तो हम करते ही हैं। जैसे कि ब्लड हमारे पास आया तो ब्लड ग्रुप में हमने क्रॉस मैच किया, रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग किया, ये सारा कुछ हम लोग करते हैं ताकि कहीं ना कहीं उसको कोई रिएक्शन ना हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो हमसे गलती ना हो, ये हम पूरी 100% कोशिश करते हैं। और जो भी ब्लड बैंक में काम करता है वो 100% कोशिश करता है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहा है तो उससे हमें बेनिफिट ही मिल रहा है, ठीक है। जो पुराना टेक्नोलॉजी है वो तो क्या है, उसमें समय ज़्यादा लग रहा है, जैसे कि विंडो पीरियड मैंने आपको बताया। अब ये एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाने से क्या होगा, जल्दी जो है उसको आप डिटेक्ट कर लेंगे, ताकि उसका जो कोई भी इन्फेक्शन है वो पेशेंट तक ना पहुंच पाए। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आगे भी इस तरीके से वीडियो आते रहेंगे, और डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएंगे बुक्स वगैरह का, तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर बुक्स वगैरह आपको चाहिए है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कौन से बुक से पढ़ना है, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे वीडियो के मिल जाएगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।